कुछ लोग जो ध्यान नहीं करते, 10-20 मिनट घंटा आध घंटा बैठे, एक हफ्ता 10 दिन बैठेंगे, वो आकर के बोलेंगे कि गुरुजी जैसा आपने बोला था बस वैसा ही मुझे महसूस होने लगा। अब इन सिद्धों से भी निपटना बड़ा मुश्किल होगा फिर, क्योंकि मैं देखता हूं कि मैं जो वर्णन करता हूं बस उसी के अनुसार वो अपने आप को सिद्ध साबित करने के लिए वैसी ही बातें करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये मालूम भी है कि उस मेरे गुरु ने मुझे ऐसी नजर दी है कि हम देख सकते हैं कौन किस स्थिति में है, वो दिखा देते हैं हमें कि कौन कहां किस स्थिति में बैठा हुआ इस धरा के ऊपर, और सामने जो खड़ा हुआ है उसका तो बस एक पल का ही काम है। फिर भी वो लोग आध्यात्मिक बनने की सोच में गुरु के सामने भी झूठ बोलते हैं, और आस कल्याण की, मोक्ष की, साधना की, सिद्धताओं की बड़ा मुश्किल काम है। ये रास्ता, ये डगर बड़ी कठिन है, इस पर चलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जब आप अपने आप को ही सामना ना कर पाओगे, सच ना बोल पाओगे, ना समझ पाओगे, बस बनावट की दुनिया में घूमोगे, उधार के विचार बोलोगे, तब तक पहुंचना तो दूर की बात है, चलना भी कठिन रास्ता है। मैंने पिछली बार बोली थी योग निंद्रा के विषय में, बड़ा कठिन काम हुआ। मैंने बोला तो ये था कि योग निंद्रा सोने से पहले योग निंद्रा कैसे लगाएं कि सोते समय भी ध्यान लगा रहे। इस शब्द को संभालना बड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि लोगों ने बैठ करके ध्यान करना बंद कर दिया। सब योग निंद्रा में चले गए। मैं जगाता रहा, उठ जाओ उठ जाओ, वो बोले आपने ही बोला था। बड़ी मुश्किल हुई कि उन्होंने बैठना छोड़ करके, ध्यान छोड़ करके, साधना छोड़ करके, जैसे वो इंतजार ही कर रहे थे कि मैं बोलूं और वो काम शुरू करे, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ये मात्र सोने से पहले करना था, ये नहीं कि बाकी सब बंद करके और सो जाना था। बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि शब्द का उपयोग लोग समझते नहीं। मन माफी, मन मर्जी के अर्थ, मन मर्जी के रास्ते तैयार कर लेते हैं, रास्ते मोक्ष की ओर न ले जा करके। यही तो आज तक हुआ, संतों ने जो समझाया
जो रास्ता दिखाया, जिस पर चलाया, वहाँ नहीं चले हम। बस हमने ये देखा, शब्द में कहाँ चूक रही, रास्ता कहाँ मिलेगा, बस वहीं घुस जाओ और उनको गलत साबित कर दो। वो मैं तो यहाँ हूँ, वो तो ऊपर बैठे हुए सोचते होंगे, अगर ये कुछ शब्द ना लिखता तो ही अच्छे थे। ये क्या लिखाया मैं, धरती के ऊपर हलचल मच गई पूरी, और लोगों ने क्या समझ लिया मैं क्या बोल करके आया हूँ। तो मन मर्जी की जो साधना है, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को तो बड़ी मुश्किल हो रही होगी। पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कहोगे तो उठा भी दूंगा मैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं रात को 11 बजे 12 बजे चौराहे के ऊपर मीठा कौन सा रखूं। जो ये चल रही है ना चीजें, मेरे आसपास भी जो खड़े हैं, एक आध दिन में भी चल रहा होगा, तो जो ये चीजें चल रही है ना, इनको कम से कम यहां तो रोक लीजिए, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये आध्यात्मिक नहीं है। भला नहीं होता किसी का इनसे, ये कल्याण का मार्ग नहीं है। ये आपको परम तत्व तक लेकर के नहीं जाता। इससे आपके न पितर संतुष्ट होंगे, अरे कैसे संतुष्ट होंगे, सुबह उठेंगे वहां पैरों में आएंगी वो चीजें। क्या आपकी थाली में कोई पैर रखे, क्या आप खुश होगे क्या? तो वो कैसे खुश होंगे? कोई भी आता है आपको बेवकूफ बनाता है, और वो चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है रिवाज बन के। आप उनको छोड़ने से डरते हो, कहीं हमारा कुछ गलत न हो जाए, बुरा न हो जाए, ऐसे वैसे। और फिर वो डरते हुए नाम जप करते हुए भी जब आप ये काम करते हो, तो आप कहाँ आध्यात्मिक हो? आपकी आत्मा की ऊर्जा कहाँ गई, कहाँ इस चीज में फंस गए, और कैसे निकलोगे? देखना, हम जब बच्चे थे सुबह प्रैक्टिस के लिए जाते थे, हर चौराहे के ऊपर बड़े बड़े मिठाइयां सामान रखे होते थे। मेरे साथ एक लड़का होता था, वो तो उठा करके खा भी जाता था कि नया डिब्बा आया अभी उठा ले जाता हूँ। ये जो चीजें हैं ना, आप गलत दिशा में चले गए, इनसे दूर हो जाइए। समझाइए लोगों को, खुद भी समझिए। ये वो ऊर्जा नहीं है जिससे कल्याण हो सके। इससे न आपके देवता खुश होंगे, न पितर खुश होंगे, न परिवारजन खुश होंगे, न समाज खुश होगा, और लोग जो श्याम को रख करके गए हैं वही गालियां देते आएंगे, कौन रख गया, ये क्या क्या हालत बना ली। कम से कम आप तो समझ जाइए। जो लोग जानते हैं, जिन्हें पता है कि भजन के बिना मुक्ति नहीं, जिन्हें पता है अगर आप बैठ करके रटोगे कई पीढ़ियां तक उतर जाएंगी, भजन में इतनी ताकत होती है, सुमरण में इतनी शक्ति होती है, कोई रोक नहीं सकता आपकी चढ़ाई को, इतनी शक्ति होती है, सब देवता अपने आप तृप्त होते चले जाएंगे, इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है, रोम रोम जागृत हो जाएगा, इतनी ताकत होती है, देवता तो खड़े होकर के मांगने लगेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इतनी शक्ति होती है भजन के अंदर। जब आप भजन की ताकत को पहचानोगे, उस परम सत्ता की ताकत को पहचानोगे, उस परम परमेश्वर की ताकत को पहचानोगे, फिर आप
इन पाखंड के अंदर इस झूठ फ्रेब धोखेबाजी में नहीं फंसोगे, क्योंकि बहुत धोखेबाजी होती है, बहुत होती है। तो आप कोशिश कीजिए अपने जीवन को बदलने की, अपने मार्ग को बदलने की और आध्यात्मिक बनने का प्रयास कीजिए, साधना कीजिए, उस परम तत्व की खोज कीजिए स्वयं की। इसके बिना ना कल्याण हुआ है, न कल्याण हो सकता और ना ही होने की किसी को उम्मीद होती। तो आप बिना कल्याण के वहां तक नहीं पहुंच सकते। मैं तो बार बार प्रयत्न करता हूँ, बार बार प्रयास करता हूँ कि जीव सही मार्ग के ऊपर चले, समझ सके सही और गलत क्या है। सही मार्ग जो चल रहा है वो नाम का मार्ग है, जो सदा से चला रहा है। रामायण में भी कहा कि राम ने तो कुछ लोग ही उतारे हैं, लेकिन जो हमारे संत हुए, नाम हुए जिनके, और जिन्होंने नाम रटा, वो अनंत अनंत जीव, अनेकों अनेक करोड़ों करोड़ जीव पार उतर गए। तो आज आप भी उसी लाइन में हैं, आपके पास मौका है, परमात्मा ने स्वस्थ शरीर दिया है, समय दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ होने के तालमेल से वहीं से बीज की उत्पत्ति होती है और वो वृक्ष बन जाता है, फल लगते हैं। तो जब सब कुछ मिला है तो इसका सदुपयोग कीजिए, लाभ उठाइए और ध्यान कीजिए। बिना ध्यान के किसी भी जीव का कल्याण संभव नहीं है। आप थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि त्यौहार का समय है, कुछ लोग छुपके भी आए होंगे कि पड़ोस वाले को न पता चल जाए कि ये कहाँ गए हैं, कि वहाँ गए हैं, कुछ करवा के आएंगे मुझे। बेचारे बिना कारण के ही भयभीत रहते हैं। तो ज़्यादा समय लग गया तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, उस परमात्मा को समर्पण कीजिए। आप अगला प्रोग्राम पूर्णिमा का है, तारीख तो आपको पता ही है, यही तारीख है। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।